एक 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 कथा हमें याद आ रही, सच्ची घटना। आहा हा, भजे मन राम चरण सुखदा। एक भक्त था, बड़ा प्यारा भक्त, एकदम भोला बेचारा, कुछ करता ही नहीं था, भोला आदमी, एकदम सीधा आदमी, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम ही भोला रख दिया, भोला भगत। आहा, घर वाले बड़े हैरान, काम धाम कुछ करता नहीं, खाता ही रहता दिन भर, कुछ किया करो। बोला हमसे कुछ होता ही नहीं, अरे कम से कम खेत रखाया करो, सफाई देखा करो, घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत ही किया। बोले हमसे तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। घर वाले बड़े हैरान, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, कुछ करता धरता है नहीं, खाता ही रहता दिन भर, कुछ किया कर, बुद्धि ठिकाने रहेगी। अच्छा, दुनिया तो तब तक आपको मानेगी जब तक किसी काम के होगे, जब तक चेहरे पर चमक है, जब तक पैसा पास है, तब तक लोग तुम्हारे। हाँ, और जहां ये खत्म हुई, लोगों ने समझ लिया कि अब ये बिना मतलब का है, तो घरवाली तक साथ नहीं देता, लोगाई तक हाथ साथ छोड़ दे। हाँ, जमाना बड़ा अद्भुत है। तो घर वाले भाइयों ने भगा दिया, कुछ करते धरते हो नहीं, चलो भगो यहां से, भागो। सीधा साधा आदमी बेचारा भाग चुका। आहा, अब जाए सो जाए कहां, एक मंदिर की तरफ गया, रास्ते में जा रहा था। वाह, इंद्र देवता भी आज खूब कृपा कर रहे हैं। भागा भागा मंदिर की तरफ गया। मंदिर में एक महात्मा जी मोटे ताजे बैठे हुए थे, ये दिन भर खाता था, और जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। अब जो ज्यादा खाएगा सो लुढ़क जाएगा, होता ही है सही, जो ज्यादा खा ले सो लुढ़क जाएगा। इसने मंदिर के बाहर देखा, एक मोटे ताजे एक महात्मा जी बैठे हैं, लगता ये भी खूब खाते हैं। आदमी तो अपने हिसाब से देखता, लगता ये भी खूब खाते हैं। लेकिन इतने में महात्मा जी के चार छह शिष्य निकल आए, और संत होते ही मोटे ताजे, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उन्हें क्या लेना देना। वो भी एकदम मोटे ताजे, हट्टे कट्टे कड़े, ओ हो, यहां तो सब मोटे ताजे, लगता सब खूब खाते हैं। ये पहुंच गया, महाराज हमें अपना चेला बना लो, चेला क्या करो, जो आप कहो। देखो भाई, चेला बनना पड़ेगा तो तुम्हें सीताराम जपना पड़ेगा, आरती में सम्मिलित होना पड़ेगा, जो आज्ञा आप। अच्छा महाराज, लेकिन और तो छोड़ो, भोजन इसे तो वही टेंशन, ये मिलेगा कि नहीं। हाँ ये तो है, दोनों टाइम पंगत है, सुबह भी है शाम भी है, पाव आराम से रहो। हाथ जोड़ के बोला, महाराज चार बार नहीं मिलेगी, दो में तो कछु नहीं होने, चार बार कम से कम, तब हमारी टंकी फूलो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, पांच बार पाओ, भगवान की खूब कृपा है आश्रम पर, पाओ पाओ आराम। इसने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, खाने को बढ़िया मिलना है, अब तो बढ़िया रहने लगा। गुरुजी चेला बना लो, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। नाम रामदास हो गया, अब गुरुजी का चेला बनकर कंठी पहनकर रहने लगा। अब तो ये दिन भर खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। शाम के महात्मा जब आरती होवे तब जगावे, हे भैया उठ, आरती हो रही। अच्छा अच्छा चलो चलो, आरती में जावे खड़े खड़े होके ताली बजावे, और बीच ही में जय बोल के आ जाए। अच्छा जय बोल के ही ले आओ भंडार। भंडारी को हैरान कर, भंडारी जी कहे भैया आरती हो रही? अरे बोले सबकी हो रही, हमारी तो हो गई, हमें तो लाओ, बिना खाए हमारा जी नहीं चलेगा, खूब आरती गाली अब लाओ। भंडारी भी बड़े हैरान के, बड़ो घबड़ आदमी, कई बार तो बीच ही में इतनो खा लेवे के आरती में ताली बजाऊ बजाऊ सो जाए, वहीं टिक जाए। पर इसे क्या पता कि यहां भी कुछ आफत आने वाली है। एक बार सुबह से चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं बनी, भंडारी जी ठंडियों का टाइम, तो भंडारी जी तेल मालिश करके धूप सेंक रहे थे, पुजारी जी के पास पहुंचा, महाराज आज हड़ताल है क्या, रसोई नहीं बन रही, चूल्हा जलाई नहीं है। भंडारी जी वहां कोने में बैठे शरीर सेंक रहे, क्या बात है आज हड़ताल है क्या? अरे 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 भैया बताना भूल गए, कोई हड़ताल बड़ताल नहीं, अरे दरअसल आज एकादशी है। महाराज एकादशी है? सो बोले एकादशी है तो ना तो बनेगा ना मिलेगा। ये खब्बड़ भक्त बोला, महाराज हमें भी नहीं मिलेगा।
पर नियम तो सबको है, किसी को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपकी इतने चेला है, उन्हें एकादशी करवा दो, हमें ना करवा। महात्मा जी बोले, देखो भाई वो तो नियम है, सबको करनी पड़ेगी। बोले, महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल है, एक ही दशी में हमें तप जाना है, हमारी एकादशी है और सब करवा, एकादशी ना करवा। देखो भाई वो तो नियम है, आश्रम का बनेगा नहीं, नियम तो नियम है। एक काम करो, ज्यादा दिक्कत है, रसोई ले लो, सामान ले लो, आश्रम के बाहर तुम सामान लेकर बना के खाना पड़ेगा, ये चल कर कर पाओगे? अरे बोले, मरता क्या नहीं करता है, ले आओ, वही ले आओ, कम से कम पेट तो भरे। भंडारी जी को कहा पुजारी जी ने, चार से आटा दे दो और थोड़ा सा गुड़ दे दो, चोखा का सामान दे दो, ये बनाएगा खाएगा, जा जा खाओ। भोले भगत ने बेचारे ने आटा लिया, गुड़ लिया, नमक मिर्चा ली, सामान लिया, जाने लगा तो पुजारी जी बोले, रुको रामदास, रुको रुको रुको, सुनो, वैसे तो एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मानते हो तो श्री सीताराम जी को बुलाकर उनको प्रसाद पवा करके ही प्रसाद पाना, जो आज्ञा आपकी। ये गया बढ़िया नदी के किनारे, इसने लकड़ियां भी नहीं, रसोई का सामान रखा और बढ़िया प्रेम पूर्वक तैयारी करके इसने सामान की रसोई लगाकर टिक्कड़ तैयार किए। अब पाने बैठा, पेट में चूहा लौटने लगे, तो जैसे ही पाने बैठा तब तक ध्यान आया, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, अब भगवान को बुला लो। ऐसे क्या पता, सीधा आदमी, एकदम सरल आदमी, इसे लगा भगवान आते हैं पाते हैं फिर प्रसाद पाया जाता, क्योंकि मंदिर में पट बंद होते देखा इसने प्रसाद के समय। ये तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके गाने लगा, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाती हुए कहने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, हाँ हाँ भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी नहीं आए, अब परेशान हो गया, भगवान इस तरफ से आएंगे, पूरब से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, भगवान कहीं से आते नहीं दिखे, देर हो गई, हे भगवान आप क्यों नहीं आ रहे, जल्दी आओ, पेट में चूहा लौट रहे। इसे लगा मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है तो घंटी अंटी बजती है, भगवान उसी से आते हो, तो हाथ जोड़कर गाकर कहने लगा, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। हमारे पास ना तो आचमनी है ना घंटिया है, यहाँ तो जो है वही मेहमानी है। और प्रभु सुन लो, आने के पहले सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी। हमारे पास आप सोचो कि रबड़ी माल पूरा चकाचक हो गए तो कछु नहीं है, सूखी रोटी है और पानी के लाने भी पात्र नहीं है, नदी को पानी पी लिया, लेकिन आ जाओ, देर ना करो, जल्दी आओ, देर हो रही, देखो सवाई हो गई, इसे अच्छो तो ऐसी हम एक ही दसी कर लेते, इतनी देर से आना, एक ही दसी व्रत रहे, अब आओ तो जल्दी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर तक रोता रहा, भगवान नहीं आए, अब इसने सोचा क्या किया जाए, हाँ अब समझ में आ गया भगवान क्यों नहीं आए, भगवान को मंदिर की ललक लगी, मंदिर में रबड़ी मालपुआ मिठाई चकाचक चमचम मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, यहाँ पर सूखी रोटी नदी का पानी बता दिया, इसलिए भगवान रह गए। तो सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलने होते, तो
पेट भरने हो सो इतना ही आ जाओ। और जैसे ही इतना कहा सो भगवान उस भक्त की सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, श्री राम जी जानकी मैया को लेकर प्रकट हो गए। जहां इसने दूर से देखा, जय हो इतनी देर में आया, चलो बात हो। बगल में जानकी जी को देखा, जी बगल में को आए भगवान धर्म पत्नी, ऐसे क्यों देख रहे? अरे बोले गुरु जी ने तो कहा था भगवान को भोग लगा देना, हम सोच रहे थे एक भगवान है तो दो दो भगवान। दिक्कत ये है कि हमारे रबड़ी टिक्कर फिक्स है, हमने सोचे थे चार तुम पाओगे छह हमें बच जाएंगे, कम से कम हमारा दिन बढ़िया निकलेगा। लेकिन तुम पहले ही डबल आए, अब चार तुम्हें चाने चार इन्हें चाने, हमें दो बचने, इससे अच्छी तो एक ही दसी ले लेते कम से कम गुरु जी की वाणी तो। अब कोई बात नहीं, अब आ गए सो ठीक है, अब आओ। लेकिन एक बात बोले, जोड़ी लगत बड़ी सुंदर है, आओ आओ बैठो। भगवान को विराजमान करवाया, सीधा आदमी। भगवान उसकी सरलता पे बड़े हंसे, जानकी जी की तरफ देखे, देखो कैसा भक्त। भगवान ने बढ़िया प्रसाद पाया, उसने भी प्रसाद पाया, चरण पकड़े, बोले अच्छा एक बात बताओ, एकादशी कितने दिन में आती? भगवान बोले हर 15 दिन। बोले तब तो हर 15 दिन में आप खत्म हो गए, अगली बार सुन लो, इतनी देर ना करियो, जल्दी आ जाइए, इतनी देर में तो हमारे प्राण ही कट जाने, थोड़ी देर और नहीं आते तो हो गए थे हम तो सब पा जाते, तो बाद में आते आप भूखे घूमते। भगवान बोले अच्छा अच्छा चिंता ना करो। सीधा आदमी, उसे क्या पता भगवान आते ही ऐसे होंगे, तो ना गुरु जी को बताया ना महंत जी को बताया, आके आश्रम में लेट गया बढ़िया आनंद से। 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीते फिर एकादशी, फिर चूल्हा में हड़ताल, फिर बोला गुरु जी आज क्या? बोले एकादशी, आज फिर है, सामान लो जाओ। गुरु जी रुको, सामान बड़ा हो जाए, क्यों वहां एक नहीं दो दो भगवान आते, पिछली बार एक भगवान के हिसाब का दिया था हम भूखे रह गए, डबल करो सामान। गुरु जी ने सोचा ज्यादा खब्बड़ आदमी है, ज्यादा खाता है इसीलिए इतना कह रहा। गुरु जी ने 4 सेर आटा और बढ़वा दिया, 8 सेर आटा चोखा गुड़ का सामान दिया, जाओ बनाओ। अब ये गया तो नाम तो इसने पूछ ही लिया था, इनका एक का नाम राम जी है, एक का नाम सीता जी है। ये आया तो आकर के इसने बढ़िया टिक्कर बनाया और प्रसाद बनाया, और आज तो भगवान पहले से ही तैयार बैठे थे। इसने जैसे ही हाथ जोड़े और ताली बजाते हुए गाया, सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाए। लेकिन राम जी भी कम कौतुक नहीं है, आहा हा राम जी आए, लेकिन राम जी भी कम कौतुक नहीं है। जानकी मैया तो आई आई, इस बार राम जी ने एक और लीला कर दी। क्या? दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा। जय हो, एक जने बुलाओ सो दो दो आओ, दो को इंतजाम करो सो तीन तीन प्रकार। अब जी भाई साहब को आए बगल में, राम जी बोले भाई हमारे भैया हैं, भाई हैं हमारे, नीचे से ऊपर तक लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया, कहीं अगल बगल वाले भैया तो नहीं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा भक्त है, हम तो जिसके यहां जाते हैं आदमी गदगद हो जाता है, पहला ऐसा भक्त है जो हमें देख करके कह रहा है कि जी लग तो नहीं रहा, इन्हें कहीं हल्ले वाले आए। राम जी बोले चुप रहो, कोई बात नहीं। भक्त से बोले देखो भाई भाई है हमारे, वाह जी गोरे आप सांवरे, भाई तो लग नहीं रहे। हाँ भाई हैं। अच्छा देखो महाराज हम एक निवेदन करें, हाँ ये क्यों ले वाले आए? अब देखो आए हैं तो आए हैं, प्रसाद पवा महाराज, दो जनों की व्यवस्था है, अब आपने एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दे, लगता है आधी एकादशी करवा करके ही मानोगे, कोई बात नहीं बैठो। तीनों को विराजमान करवाया, बढ़िया प्रसाद पवाया, लेकिन तीनों की सुंदर मूर्ति को देख करके आंखों में आंसू भरकर बोला, कुछ भी कहो आप तीनों भी बड़े कमाल के लगते हो, अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत विग्रह है,
अच्छा एक बात बताओ, आज आपने टाइम तो बढ़िया मिला लिया पर गिनती बढ़ा दी, अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाए। अरे बोले नहीं, गिनती लिखवाए जाओ, हम उसी हिसाब से। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आ जाए। बोले नहीं नहीं, गिनती बताओ। भगवान बोले हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये बड़ा टेंशन में। 15 दिन फिर बीते, एकादशी आई। जैसे ही एकादशी आई, सो गुरुजी बोले आज एकादशी है, सो मुंह लटका के बोलो हो है तो। गुरुजी बोले मुंह क्यों लटका? भक्तराज बोला महाराज वहां एक की व्यवस्था करो, सो दो दो भगवान आओ, दो को इंतजाम करो, सो तीन तीन प्रकट हो जाए, अब आज पता नहीं है कितने आ जाए। गुरुजी बोले मतलब? बोले और सब छोड़ो, सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले कितना? बोले कम से कम 12 शेर। गुरुजी ने सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, जरूर ये बेचता होगा। आज हम भी देखें कौन भगवान आओ। 12 नहीं 15 दो इसे। 15 शेर आटा लो, गुड़ लो, चोखा को सामान लो, सामग्री लेके चल पड़ो भगवान को बनाने के लिए। नदी के किनारे लकड़ियां भी नहीं, चूल्हा बनाया और जैसे ही बनाया, लेकिन आज भक्त ने चालाकी कर दी। आज उसने बनाया, बाद में पहले ही कीर्तन गाने लगा सामान रखकर। लक्ष्मण राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाए। लक्ष्मण राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे श्री सीताराम जी सरकार। दक्षिणे लक्ष्मण चाजनकात्मजा पुरतो मारुत्रियस्यातम वंदे रघुनंदनम। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। जहां इसने दरबार देखा, जो दूर से हाथ जोड़ के बोलो जय हो, जय हो। एक जनन को इंतजाम करो, सो दो, दो की व्यवस्था करो, सो तीन, तीन जनन की व्यवस्था करो, सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए, पूरा गांव लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी नहीं बनावा, अपनो बनाओ और खाओ। आप भी चतुराई करते, आज हमने भी चतुराई कर दी। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब का? सीधा सीधा मतलब है, हर बार एकादशी करवा देते हो, आज बनाओ खाओ, बच्चे सो बताइयो। भगवान बोले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वाह, आप करते हो दो के बदले तीन, तीन के बदले। देखो जब तक इसकी नजर हनुमान जी के ऊपर गई, बोले आर रर 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 रर। भगवान बोले मतलब? अरे बोले आदमी तो आदमी, बंदरा तक ले आए, इंसान तो छोड़ो बंदरा पकड़ लिया। हनुमान जी बोले गजब का भक्त है। लक्ष्मण जी धीरे से कान से बोले बच के रही हो, जे सुपर डुपर हीरो लंका वाले आए, कम पूछ से रगड़ दे। अरे बोले हमें क्या लेना देना, अपनो बनाओ खाओ, हम जे चले। राम जी बोले रुको तो, जाओ ना, रुको तो। रुक गया बेचारा। राम जी ने जानकी जी की तरफ, सत्य घटना है ये, जानकी जी की तरफ देख कर कहा देवी लगता है जिसमें भक्त की रजा है उसी में अपनी रजा है, लगता है आज तो प्रसाद बनाना ही पड़ेगा। आहा, बैठ विपन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, तो कांचन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी प्रकट भय, अब तो भक्त की रजा में प्रसाद बनाना ही पड़ेगा, तो क्या किया जाए? एक काम करो,
तुम प्रसाद बनाओ। हाँ, भरत जी भंडारी बन गए, माँ जानकी जी प्रसाद बनाने लगी। अब जरा आंखों में चित्रण करना, कितना अद्भुत चित्रण होगा। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे। आहा, हनुमान जी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, और श्री शत्रुघ्न जी साग भाजी की अमनिया करने लगे अपने हाथों से, और भैया लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे। आ श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, पहुंचते हैं पूंछ से आंजनेय चौरा, पहुंचते हैं पूंछ से आंजनेय चौका, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, चौका चूल्हा करने लगे। श्री जानकी जी रसोई के पास बैठ गए। आहा, ये भक्त पेड़ के पास आंख नीच कर बैठ गए। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद की? बोले हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते। कारण? बोले बनता हुआ देखेंगे तो लगेगा मिल जाए, और ये इतनी भीड़ ले आए कि मिल नहीं, पहले आदमी तो आदमी बंदर भी लिया, मिलना ही नहीं है, इसलिए हम आंखें ही बंद की। इतने में जहां जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सिद्ध अमलात्मा महात्मा प्रकट भए, मां हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या? आ हा हा हा, हां जरूर मिलेगा। इसने एक आंख खोल कर देखा, कछु बचो कुछो मिल ही जा तो जी बाबन के मारे नहीं मिलते, बाबा प्रकट हो। अब तो और आंखें बंद करके लुढ़क गया कि सो जाओ, तो भाड़ में गया मिलने ही नहीं है कुछ। राम जी देख देख करके हंसे, कितना गजब का भक्त, कितना भोला भक्त। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने पाके पाके संकेत सती जगत प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ।
तो भक्त के गुरुजी पीछे पीछे पेड़ के नीचे आंखें नीचे बंद किए बेटा गुरुजी ने पुकार, हे चेला रामदास क्या कर रहे? अरे गुरुदेव आप ठीक आए, हम प्रणाम कर, देखो तो कितने भगवान बैठे, लेन लगी लंबी। देखो आप कह रहे थे इतना प्रसाद कहां जाता, देखो तो लंबी लेन भगवान, इतनी लंबी। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले यहां तो कोई नहीं है, यहां तो तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा। चेला बोला अब और बड़ी आफत, जिनका माल मटेरियल उन्हें दिख नहीं, अब और लंबी आफत हो गई। भागा भागा राम जी के पास गया, सरकार हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? गुरुजी ने कहा पूछो पूछो, हमें क्यों नहीं राम जी दिख, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? राम जी मुस्कुरा कर बोले भक्त बात सही है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ध्यानी नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिख रहे हैं, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। हम ज्ञान ध्यान नहीं देखते, हम तो सरलता देखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा? आंखों में आंसू भरकर भक्त बोला गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक आपने सुना था गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, पहली बार ऐसा शिष्य मिला जिससे जिसके कारण भगवान के दर्शन होंगे। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाँ हम ज्ञानी हैं, हमने जिंदगी भर माला जप की, बड़े तप किए, बड़ी यज्ञ की, पर जीवन में कठोरता रही, जीवन में अपमान रहा कि हम महंत हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं, काश आज सरलता होती तो इसके साथ साथ हमें भी सीताराम जी के दर्शन हो जाते। झरझर आंसू जैसे ही बहने लगे, रोने लगे, और आंसुओं की धार बार बार जैसे ही बहने लगी, राम जी से रहा नहीं गया। बार बार भक्त अपने हाथों से आंसुओं को पोंछे, बार बार राम जी की तरफ देखे कि हमें नहीं तो गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो, हमें भले ही मत देना। राम जी रीझ गए, राम जी प्रसन्न हो गए, और पूरा श्री दिव्य राम दरबार गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में पांव लपोट लिया, चरणों में गिर पड़े गुरुदेव। सरकार आज तक गुरु के कारण तो बहुत शिष्यों को भगवान के दर्शन भए, आज पहली बार शिष्य के कारण गुरुदेव को आपके दर्शन भए। धन्य है, धन्य है, धन्य है भैया। इस कथा का सीधा तात्पर्य है, आज भी राम जी हनुमान जी शिव जी मिलने को तैयार है। जीवन में भगवान का मिलना कठिन नहीं है, जितना हम आपका सरल होना कठिन है। भगवान तो सरलता पर रीझ जाते हैं। बिंदु जी का पद बड़ा प्यारा, न जाने कौन से पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं।